आपको पता है कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो सारे रास्ते बंद किए हुए थे, जगह से इन्होंने बंद कर दिए थे, तो हम वॉक करते हुए आए। जियो की जो बिल्डिंग है वहाँ से उतर के मैं गाड़ी से वॉक करती हुई आई हूँ, तो FBR आता था रास्ते में उसका ऑफिस, तो बैक डोर से हम लोग आ रहे थे, इन्होंने हमने सिर्फ नहीं कहा कि हमें अंदर से आने दिया जाए। हमारे साथ पूरी लाहौर की टीम थी, पूरे सब लाहौर से वकला आए हुए थे, तो वो पूरी बस थी बेचारे, वो हम धूप में हम सारे वहाँ खड़े रहे, और मेरे पास वो वीडियोज है, मैंने वीडियोज बनाई है कि हम किस जगह पे थे और इन्होंने हमें अंदर नहीं आने दी। हमने कहा जस्ट हमने कहते हमें ऑर्डर्स नहीं है, उन्होंने काले कोट देखते ही दरवाजे फौरन बंद कर दिए, कहते हैं अगर हमने अपने दरवाजे खोले तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ये कानून का, ये कानून की बालादस्ती हो रही है, ये कानून के साथ हाल हो रहा है, ये कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम फिर इन्होंने हमारे से चलाकी है कि थोड़ी देर के लिए हमें जब बाहर खड़े रखा आधा घंटा, फिर उसके बाद उन्होंने हमारा एक डोर उन्होंने खोला और हम जब अंदर आए हैं तो उन्होंने आगे से ऑफिस का डोर उन्होंने बंद कर दिया, और हमें ऐसे किया जैसे हम कानून को जैसे सलाखों के पीछे बंद कर दिया उन्होंने। और फिर जब हम वहाँ से निकलने की कोशिश किए तो हमें उन्होंने यही कहा कि अगर हमने अपने गेट खोला तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हम जहाँ जा रहे हैं नौकरी चली जाएगी। ये इन्होंने मजाक बना लिया कानूनदानों के साथ, वकीलों के साथ। कायदे आजम वकील थे जिन्होंने पाकिस्तान हासिल किया, वही उन्हीं की पैरवी करते हुए आज वकील वो कानून की पासदारी कर रहे हैं, कानून के साथ खड़े हुए हैं, हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हुए, और ये हमारे साथ हो रहा है। और फिर उसके बाद जब हम लोग हमने आने की कोशिश की तो हमने कहा कि हम लॉक खोल तोड़ के बाहर निकलेंगे, तो वकीलों ने डोर जबरदस्ती खोला, तो उन्होंने कहा हो सकता है केस ना हो जाए, हम जो कानून के महाफिज हैं हम ही पे केस किया जाएगा, हमारे लिए रास्ते बंद किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में काफी लोगों के केसेस लगे हुए हैं, ये एक भाई आए हैं एबटाबाद से आए हैं, इन ये भी बेचारे खड़े रहे, कहते मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस है, मैंने जाना है, और इनको भी रोक दिया गया, हर किसी को वहाँ रोक दिया गया, और खासतौर पर काले कोर्टों पर। तो उन्होंने आज उनके साथ तो वो हशर किया ना, यार तुम लोगों ने काले कोर्ट से पंगा लिया है, काला कोर्ट ही तुम्हारी मौत साबित होगा इंशाल्लाह। तुम देख लेना PDM, तुम जो चाह रहे हो, तुम लोग जितना कानून की धज्जियां उड़ाओगे तुम्हारे उतना ही बुरा हाल करेंगे। तुम आज़र सदी के साथ जो कल किया, तुम लोग किसने, तुम क्या समझते हो हम चुप बैठ जाएंगे? कानून चुप बैठने वाला नहीं, हम चुप बैठने वाले नहीं, हम भी देखते हैं तुम क्या करते हो। उन्हें ये लग रहा था कि हम अपने राइट पे खड़े हैं, क्योंकि जो इंसान राइट पे खड़ा होता है ना, जो राइट पे नहीं होता, जो ना हक होता है ना, तो वो कभी भी किसी के हकदार को बोलने नहीं देता, ना खड़ा होने देता है। उन्हें याद था कि उन्हें ये था कि इन्हें डिस्पर्स कर दिया जाए, वो डिस्पर्स करने की ताकि शो ही ना हो, वीडियोज में ये आए ना, ये पता ही ना चले सोशल मीडिया पे कि वकला कितनी तादाद में मौजूद है। और क्योंकि हम काफी सारे हम लोग उधर मौजूद थे, वहां पर हर जगह वकला को डिस्पर्स किया गया, बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन दीदार है और ऐसे कोई बात नहीं, हम लोग सारे वहां फिर भी सारे नाके तोड़ के रास्तों से छुप के हम लोग सारे बाहर निकल के आए हैं। और जैसे कि कितनी मुश्किल हमें उठानी पड़ी, इन्हें जरा सी शर्म नहीं, रोजे में उन्होंने हमारे साथ ये किया है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पहुंच गए सब। तो अब PDM तुम देख लो, तुम सोच लो, तुम समझ लो, तुमने जो कानून के साथ किया ना, कानून भूलने वाला नहीं। हम पाकिस्तान बार काउंसिल के हर उस हथकंडे को मुस्तरद करेंगे। हम बार काउंसिल की तरफ से किसी भी सियासी पार्टी का या सियासी हिकमत अमली का हिस्सा बनने को मुस्तरद करते हैं और अपनी जदोजहद जो है जारी रखने का ऐलान करते हैं। इंशाल्लाह गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, बुलंद के गद्दारों को एक धक्का और दो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज पाबंदी थी सख्ती की और रोका जा रहा था, इस कौम के बेटे, इस कौम की बेटी, मैडम की नौ अच्छी चीज थी, स्कूल की दिखाते जिंदा है मुकला, जिंदा है मुकला। एक रैप हुआ था।